आदाब नाजरीन मोहतरम, आपका दोस्त माजिद। उम्मीद है कि सब बखैर आफियत से होंगे और अपने सपनों की खातिर, अपने जो ड्रीम्स लिए बैठे हैं, गोल्स लिए बैठे हैं, उनकी जो ताबीर में जुटे हुए होंगे। नाजरीन मोहतरम, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया अफसानवी मजमुआ जिसका नाम है रास्ता बंद है, जो कि 2010 में शाया हुआ है और जो कि जिलानी बानू ने लिखा है। तो जो जिलानी बानू है वो 1936 ईस्वी में पैदा हुई हैं। तो 1936 ईस्वी जो है ये अदबी तौर तरीक़े से एक बहुत ही अहम दर्जा रखती है, क्योंकि 1936 में जो है उर्दू अदब के माया नाज अफसाना निगार और नावल निगार प्रेमचंद, उनकी जो वफ़ात है, सने वफ़ात है, वो भी 1936 है। और उर्दू अदब के एक बहुत ही बड़े हम कहेंगे शायर जो गुज़रे हैं, असगर गोंडवी की जो वफ़ात का सन है तो वो भी जो है 1936 है। और एक और शायर हैं जिनका नाम शहरयार है, तो शहरयार का जो सने पैदाइश है, उनकी विलादत भी जो है वो 1936 है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने एक ही तारीख अगर आपने याद रखना हो कि जिलानी बानू कब पैदा हुई, अगर आप ये जानते हैं कि प्रेमचंद की वफ़ात कब हुई, तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद आ जाएगा कि जिलानी बानू की वो पैदाइश है। तो 2010 में इनका अफसानवी मजमुआ जो है वो शाया हुआ है। और उसके साथ अगर देखा जाए इस अफसानवी मजमुए में तमाम अफसानों की तादाद जो है वो 22 है, और इसमें कुछ अफसानचे भी शामिल हैं जिनका ज़िक्र आपके साथ किया जाएगा। तो अफसाना कौन है, अब्बास ने कहा एक दोस्त की ज़रूरत है, दर्शन कब दोगे, कल हमारे घर गालिब और इस्मत आए थे, गुले नगमा एक शूटिंग स्क्रिप्ट, ये शहर बेखाव है उसे किसने मारा, जन्नत की तलाश मौत के बीच क्या टूट गया, भागो भागो आपका स्वागत है मंत्री जी, पर्दा गिरता है एक खलाबाज की रिपोर्ट, जू में अकेला समंदर, काश वो काले बुरके वाली एक बहुत ही अहम अफसाना है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अकेला रास्ता बंद है, तो टोटल इसमें 22 अफसाने और अफसानचे शामिल हैं। सबसे पहला अफसानचा है कुन। ये कुन क्या है, चलिए जानते हैं। मेरे ऊपर एटमी हथियारों के बादल छाए हुए हैं, क्या एक पल में ये दुनिया मिट जाएगी, झूठ और मायूसी का अंधेरा फैला हुआ है, मैं सर उठाए आसमान की तरफ देख रही हूँ, कोई वादा कोई मौजज़ा, फिर एक बार कुन की सदा क्यों नहीं आती, नन्ही रमशा मेरे हाथ से कलम छीन लिया है, वो सफ़ेद कागज़ पर झुकी कुछ लिख रही है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कुछ तो लिखो कि हर्फ चमक उठें, कुछ तो बोलो कि रोशनी हो जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, लफ्ज़ कुन से आप वाकिफ़ हैं, और लफ्ज़ कुन जो है वो अल्लाह ताला की सिफत है, वो जब कुन फयाकुन कहते हैं तो कुछ भी होता है। तो ये एक अलामती अफसाना है, समझने वालों के लिए बहुत ही बड़ा इशारा है। तो इसका जो काबिल ज़िक्र किरदार है वो है नन्ही रमशा। दूसरा अफसाना अब्बास ने कहा, तो नाज़रीन मोहतरम गौर कीजिएगा, अब्बास ने कहा आखिर अब्बास है कौन, चलिए जानते हैं। यह अफसाना इराक पर अमेरिकी हमलों और सख्त बमबारियों की करबलाई तलमी है। एक हिंदी न्यूज़ चैनल में खबर दिखाई जा रही है जिसमें आकाश नाम का न्यूज़ एंकर अपने मावन नदीम और मनीष के साथ इराक पर अमेरिकी तबाही की रिपोर्टिंग कर रहा है। वहाँ जंग में अब्बास एक 11 साल का लड़का है। अब्बास कितने साल का लड़का है, तो अब्बास 11 साल का लड़का है जिसके दोनों हाथ कट गए हैं। अब्बास कहता है मेरे हाथ कट गए मगर मैं बुश को लात मार सकता हूँ। अफसाने में मुस्लिम ममालिक की बेहिसी और अमेरिका के मजालिम पर ज़बरदस्त तंज है। काबिल ज़िक्र किरदार आकाश मनीष नदीम और अब्बास जो है वो इसका मरकज़ी किरदार है, जिसके नाम पर अफसाना है कि अब्बास ने कहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दोस्त की ज़रूरत
है। एक दोस्त की ज़रूरत है अफसाना। एक रिटायर्ड आर्किटेक्ट इंजीनियर अखबार में दोस्त मतलब है का इश्तिहार देता है, दोस्त मतलूब है का इश्तिहार देता है। वो अपनी ज़िंदगी से नादिम है, उसकी बीवी मशहूर मुसव्विर है, मगर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल तन्हाई में डूबी हुई है। इश्तिहार देखकर बहुत से लोग दोस्ती करने आते हैं, जिनमें डॉक्टर, शायर, अदीब, पुलिस सभी शामिल हैं, लेकिन वो चाहता था दोस्ती का इश्तिहार देखकर कोई उसके घर आए। और वो जब रिंग बेल सुनकर दरवाज़ा खोले तो सामने खुद खड़ा हो और वो अपने आप से हाथ मिलाए। एक दोस्त की ज़रूरत है, तो इसमें देखा गया कि ये जो है ये भी एक अलामती किस्म का अफसाना है, जिसकी समझ बिल्कुल नहीं आती कि इसमें ना तो कोई उतने ज़्यादा किरदार है ना कुछ है, बल्कि एक रिटायर्ड आर्किटेक्ट इंजीनियर जो है वो दो अखबार पे दोस्त मतलब है का इश्तिहार देता है, और वो ये चाहता है कि वो जब रिंग बेल बजे और जब वो दरवाज़ा खोले और वो खुद को सामने खड़ा हुआ पाए और वो उसके साथ हाथ मिलाए। तो नाज़रीन मोहतरम, इसमें कोई भी किरदार नहीं है जिसका नाम हम आपके साथ शेयर करें। तो उसके बाद दर्शन कब दोगे बोलो श्याम। देखिए नाज़रीन मोहतरम, इसमें किरदार श्याम का जिक्र है। 7 मंजिलों वाली बिल्डिंग के नीचे वाले मंदिर में भजन गाया जा रहा था। आगाज जिलानी बानू का ये अफसाना दर्शन कब दोगे ऐसे अफराद पर तीखा तंज है, जो बज़ाहिर समाज में फलाही इमदादी काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें गरीबों और मजलूमों से किसी भी तरह की दिली हमदर्दी नहीं होती। ऐसे लोग महज नाम नमूद के लिए रफाही का काम करते हैं। मिसिज राशिद, जी नाज़रीन, मिसिज राशिद एक अमीर तरीन शख्स राशिद की बीवी है। वो अपने कॉलोनी की फ़िरका वाराना फसाद मुखालिफ कमेटी के मेंबर है। जब शहर में फसाद की आग ठंडी हो जाती है तब मिसिज राशिद लोगों की मदद आबादकारी के लिए फ़ंड इकट्ठा करती है, मगर उसके काम में खलूस नहीं है। बन ठन के निकलती है ताकि टीवी चैनल में खूबसूरत नज़र आ सके। कर्फ्यू जैसा भयानक वहशतनाक लफ्ज़ भी मिसिज राशिद को रोमेंटिक लगता है। फसाद में जलने वालों की बू मिसिज राशिद को रोस्ट चिकन मालूम होती है। इसी कॉलोनी में रहने वाले हुसन बानू कॉलेज में, सुनिएगा, हुसन बानू कॉलेज में तारीख हिस्ट्री के लेक्चरर है। तो किस चीज़ की लेक्चरर है? हिस्ट्री की लेक्चरर है। हुसन बानू धरिया है, हुसन बानू धरिया है, मजहब पर ईमान नहीं है। हुसन बानू का मानना है कि अब खुदा तक पहुंचने के लिए मजहबी सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। तो ये भी नाज़रीन मोहतरम, इस अफसाने के अगर किरदारों का जिक्र किया जाए तो उसमें अमीर कबीर शख्स मिस्टर राशिद, राशिद की बीवी मिसिज राशिद, हिस्ट्री लेक्चरर हुसन बानू। तो नाज़रीन मोहतरम, चलिए आगे चलते हैं। इसके इतने ही किरदार हैं, आप याद रखिएगा दर्शन कब दोगे के किरदार मिस्टर राशिद, जो कि एक अमीर शख्स है, और उसकी बीवी मिसिज राशिद, हिस्ट्री की लेक्चरर हुसन बानू। तो आपको सवाल आ सकता है कि दर्शन कब दोगे अफसाना में कौन सा किरदार हिस्ट्री का लेक्चरर है? तो आप बिना किसी मतलब सोच विचार के हुस्न बानू पर क्लिक कर दीजिएगा। तो नाज़रीन मोहतरम, कल रात हमारे घर गालिब और इस्मत आए थे, ये अफसाना है। और इसी अफसाने पर एक दो अंशाएँ हैं जिनका मैं आपके साथ जिक्र करूँगा। तो एक अनशाया है नाज़रीन मोहतरम, जो कि कन्हैया लाल कपूर का है, वो भी इसी नाम के साथ ममासलर रखता है कि तरक्की पसंद शौराओं की मजलिस में हाली और जदीदियत के शौराओं में गालिब। तो चलिए नाज़रीन मोहतरम, आगे चलते हैं। अफसाना के दरमियाँ में मीर का ये शेर वारिद हुआ है। क़यामत को जुर्माना शायरी पर मेरे सरे मेरा दीवान मारा। इस्मत के मशहूर अफसाना लिहाफ का जिक्र भी है। देखिए नाज़रीन मोहतरम, इस्मत का एक मशहूर अफसाना है जो कि जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अफसाना का जो अफसानवी मजमूआ है इस्मत चुगताई का चोटें, उसमें एक अफसाना शामिल है जिसका नाम लिहाफ है। और उस लिहाफ का जिक्र जो है वो इस नावल इस अफसाने में जिलानी बानू ने पेश किया है। बहरा हूँ मैं तो चाहिए दवा धरा हो
अल्तफात और मुफलसी का ये आलम है कि कर्ज के पीते थे मैं। इस्मत गालिब से कहती हैं, तुमने एक शेर अच्छा कहा है असदुल्ला खान, चाहते हो खूब रवैयों को असद, आपकी सूरत तो देखा चाहिए। गालिब का ये शेर भी वारिद हुआ है। मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, अर्श से परे होता काश के मका अपना। तो नाज़रीन मोहतरम, छठा अफसाना जो हमारे पास है वो है गुले नगमा। जो गुले नगमा है, आपको गुले नगमा का जो नाम है इससे कोई शेरी मजमुआ भी याद आया होगा। जी बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, गुले नगमा जो है वो गुले नगमा का जो एक शेरी मजमुआ है वो है जिगर गुले नगमा। हाँ बिल्कुल, वो तो जिगर मुराद, माफ़ कीजिएगा, जिगर मुराद आबादी का आतिश गुल है। गुले नगमा फिराक गोरखपुरी का एक शेरी मजमुआ है। तो इब्तदा में गालिब का शेर वारिद हुआ है। क्या शेर है चले जानते हैं। न गुल नगमा हूँ न पर्दा साज, न गुल नगमा हूँ न पर्दा साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। फिर फ़ानी बदायूनी का एक शेर वारिद हुआ है। देख दिल की ज़मीं लरजती है, याद जाना कदम संभाल अपना। नासिर काज़मी का भी शेर वारिद हुआ है जिसके बारे में आफ्ताब अहमद ने फ़ोन पर उषा से पूछा था। चलिए शेर को देखते हैं। ध्यान के आतिशदान में नासिर, खूबसूरत शेर है, देखिएगा आपको पसंद आएगा। ध्यान के आतिशदान में नासिर, बुझे दिनों का ढेर पड़ा है। उषा मोमिन मोहन की बीवी है। सुनिएगा नाज़रीन, मोहन और उषा, उषा मोहन की बीवी है और संगीत से वाबस्ता है। उषा उषा की बेटी निगी है जिसको उषा संगीत सिखा रही है। उषा खोई खोई रहती है और शायराना बातें करती है। गुफ्तगू के दौरान मशहूर गज़ल सिंगर आफ्ताब अहमद का जिक्र आ जाता है। आफ्ताब अहमद का नाम ले लेकर उषा ख्यालों में गुम हो जाती है। लेकिन अब मुल्क तकसीम हो चुका है और आफ्ताब अहमद पाकिस्तान में है और उषा अपने शौहर मोहन के साथ हिंदुस्तान में। आफ्ताब अहमद ने प्यारी निगी प्यार से निगी का नाम गुले नगमा रख दिया है। उषा अपनी फैमिली के साथ आफ्ताब अहमद से मिलने पाकिस्तान जाने का इरादा बनाती है, लेकिन उसी दौरान दोनों मुल्कों में जंग छिड़ जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। जंग के दौरान आफ्ताब पाकिस्तान से उन लोगों को फ़ोन करता है और टीवी ऑन करने की गुजारिश करता है। ये लोग जब टीवी ऑन करते हैं तो देखते हैं आफ्ताब अहमद जो है वो टीवी पर गा रहे हैं। एक पत्थर जो दस्त यार में है, फूल बनने के इंतज़ार में है। और ये शेर किसका है, तो ये शेर जो है कमर जमील साहब का शेर है। और काबिले ज़िक्र किरदार इस अफसाने में देखिएगा, उषा का शोहर मोहन, उषा की बेटी निगी जिसका नाम आफ्ताब अहमद ने गुले नगमा रखा है। उषा का आशिक आफ्ताब अहमद जो कि गज़ल का एक सिंगर है जो कि तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान चला जाता है। एक शूटिंग स्क्रिप्ट क्या है जानते हैं। सच चिल्लाकर नहीं बोलते आकाश, जी एक किरदार है आकाश, सच चिल्लाकर नहीं बोलते आकाश, सच तो कड़वे घूंट की तरह हल्क में अटक जाता है। आगाज़ यह अफसाना गुजरात फसाद के मुतल्लिक है। जिस फिल्म की शूटिंग हो रही है उसका हिदायतकार भूषण नाम का शख्स है। सलमा अली नाम की एक अदाकारा है। हिंदू मुस्लिम की लाशें जलने के बाद भी एक मंजर में एक हिंदू और मुस्लिम के हाथ एक दूसरे से पेवस्ता नज़र आए। काबिले ज़िक्र किरदार हिदायतकार भूषण और सलमा जो कि अदाकारा है। ये शहर बिकाऊ है, आठवां अफसाना। ये एक तजरीदी अफसाना है जिसमें कोई किरदार या किस्सा नहीं है। मुआशरती जवाल और सियासी गंदगी पर तंजिया जुमला है जिसमें मनादी निदा दे रहा है कि आओ ये शहर ऐसा है जहां औरत की इज्जत से लेकर मजदूर, शायर, अदीब, नाराबाज गुंडे सब कुछ बिकता है। अफसाना नंबर 9, उसे किसने मारा। एक पागल आवारा फिरने वाली लड़की
की हाई क्लास सोसाइटी के बाहर मर गई। पुलिस तफ्तीश करने आई कि उसको किसने मारा, तो सोसाइटी के लोग कहने लगे वो लड़की नंगी घूमती थी, इसलिए हम लोग ना उसको दाना देते थे, ना पानी, ना अपने आहते में चढ़ने देते थे। उसको रात में किसी गाड़ी ने रौंदा होगा या लुच्चे लफंगू ने मारा होगा। आखिर में गरीब अजनबी औरत उस लड़की की लाश पर रो रही है, लेकिन सोसाइटी वालों को क्या खबर कि एक गरीब भूखी लड़की को दुत्कार देना ही कत्ल के बराबर है। अफसाना नंबर 10, जन्नत की तलाश। मकतब में मौलवी साहब बच्चों को जन्नत दोजक की तालीम दे रहे थे। जब बच्चों ने जन्नत दोजक के मुतल्लिक सवालात करने शुरू किए तो मौलवी साहब से कोई इत्मीनान बख्श जवाब न बन सका। इस अफसाने में एक किरदार छोटी बच्ची मुन्नी है। अफसाना नंबर 11, मौत के बीज। बदलू लान की उस घास की तरह था जो सर उठाने पर कुचल दी जाती है। आगाज़। रोशन अली एक अजीम साइंसदान है जिसने एटम बम बनाया है। जब वो शहरत हासिल करने के बाद अपने गांव पोखरान वापस आता है तो उसका पुराना नौकर बदलू रोशन अली की सूटकेस को नदी में फेंक देता है जिसमें एटम बम का प्लान मौजूद है। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको इसमें थोड़ा सा इजाफा करके बताता हूँ कि बदलू वो सूटकेस क्यों फेंकता है। क्योंकि बदलू को मालूम होता है कि उसमें इंसानों को मारने वाला एक नुस्खा है, तो जिसकी वजह से बदलू को बर्दाश्त नहीं होता है कि बेगुनाहों की जान चली जाए, इसलिए वो उस सूटकेस को नदी में फेंक देता है। अफसाना नंबर 12, क्या टूट गया। ये अफसानचा है जिसमें क्या है, इस अफसानचे का मौजू शिकस्ती है। हर चीज़ टूट गई, दिल, रिश्ता, उम्मीदें वगैरह वगैरह। इसमें किसी चीज़ के टूटने का जिक्र नहीं है, बल्कि दिल, रिश्ता, उम्मीदें वगैरह वगैरह, जो कि इंसानी मतलब इंसान ही हम कहेंगे कि इंसानों के जो आपस के ताल्लुकात होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं बीच में, कुछ ऐसी गलत फहमियाँ आती हैं जिससे दिल भी टूट जाते हैं और उम्मीदें भी छूट जाती हैं और हर एक रिश्ता जो है वो टूट जाता है। और एक अफसाना नंबर 13 है जिसका नाम है भागो भागो। इंतकाम के अंधेरे में सारी गलियां, सारे शहर एक हो गए थे। आशा कहाँ जाती, वो अपने दोनों बच्चों का हाथ थामे इधर उधर देख रही थी। आशा कॉलेज में तारीख की मुअल्लिमा है, यानी कि टीचर है। हर तरफ हंगामा है, वो राहुल को स्कूल कैसे भेजेगी। चिट्ठी उसकी बेटी है। आशा ब्राह्मण है और उसने सैयद सुल्तान से शादी की है। हर तरफ भागो भागो, मारो मारो शोर मच रहा है। वो भागती रही, ये तो जंगल नहीं जू था। सामने शेर मुंह फाड़े खड़े थे। जब तक उन्हें इंसान से खतरा ना हो, शेर हमला नहीं करते। एक अमेरिकन लड़का कह रहा था, आशा जल्दी से राहुल का हाथ थामे पिंजरे के अंदर घुस गई। अब वो मुतमईन थी कि शहरी दरिंदू के जंगल से निकल गई थी। ये भी एक तजरीदी नावल है, ये अफसाना है, जिसे समझने में थोड़ी सी दुश्वारी जो है दरपेश आ सकती है, लेकिन आप किरदारों को याद रखिए और कहानी भी आप याद रखिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक काम किया कीजिए, अगर आप इस बार जो है आपको मौका नहीं मिला, तो ज़रूर अगली बार के लिए तमाम जो टेक्स्ट है उसका मुताला कीजिएगा। और अगर आप मुताला नहीं कर सकते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे आपको सारे अफसाने मिल जाएंगे, वहाँ से आप सुन लीजिए। तो नाज़रीन मोहतरम, इसके अहम किरदार जो हैं, एक तो सैयद सुल्तान साहब हैं जो कि आशा के बच्चे, जो आशा का शौहर है, और सैयद सुल्तान की जो ब्राह्मण बीवी है उस जिसका नाम आशा है, आशा के बच्चे राहुल और चिट्टी हैं जिनको स्कूल भेजने की फिक्र जो है वो आशा को लगी रहती है। आपका स्वागत है मंत्री जी, ये भी एक अफसानचा है। एक बूढ़ी औरत मंत्री जी से कह रही है, क्या कह रही है देखिएगा नाज़रीन मोहतरम, एक बूढ़ी औरत मंत्री जी से कह रही है, आप लोग
आप लोग वादा करके वोट ले लेते हो और हमें बेयारो मददगार छोड़ देते हो। इसमें थोड़ा सा जिक्र हुआ है कि मंत्री जी आते हैं, फिर किस तरह लोग उनका स्वागत करते हैं, आगे पीछे लोग उनके रहते हैं, तो फिर एक बूढ़ी जो है मंत्री जी के सामने आती है और फिर ये जो जुमला आपके सामने मैंने पढ़ा, एक बार फिर से सुनिए। आप लोग वादा करके वोट ले लेते हो और हमें बेयारो मददगार छोड़ देते हो। अफसाना नंबर 15, पर्दा गिरता है। हाल तमाशायों से भरा हुआ है। स्टेज पर ड्रामा की शक्ल में औरत की कथा, उसके जज्बे और एहसार की कहानी सुनाई जा रही है। औरत ना भगवान बन सकती है, ना खुदा, ना राम, ना रावण, ये सब तो मर्द रूप है, ये सब तो मर्द के रूप हैं। औरत का सिर्फ एक ही रूप है और वो कौन सा रूप है? माँ। अफसाना नंबर 16, एक खलाबाज की रिपोर्ट अफसानचा है। एक साइंसदान नए सियारे की खोज करके आया है, जहां इंसान की ज़िंदगी मुमकिन है, मगर इंसान जब वहां बसने लगे तो वहां भी हर तरफ आग और धुआं है, क्योंकि वहां भी ज़मीन के जालिम व जाबिर हुक्मरान पहुंच चुके हैं, जो ज़मीन पर जंग भड़काने का काम करते थे। ये भी एक तजरीदी नावल है, समझने में थोड़ी सी दरपेशी तो आ सकती है, लेकिन एक चीज़ आसानी है आपके लिए कि इसमें कोई किरदार नहीं है। तो अफसाना नंबर 17 आपके सामने है, अफसानचा जू में। जू जो है चिड़ियाघर को कहा जाता है, आप जानते हैं, और जू में क्या है सुनिएगा। चिड़ियाघर में बच्चे एक खतरनाक जानवर को कीमती चीज़ें खिला रहे हैं। एक बच्चा अपने वालिद से पूछता है, डैडी वो जानवर जंगल की कौन सी पार्टी का लीडर है? अफसाना नंबर 18, अकेला समंदर। अफसानचा है, मैं अकेला हूँ, शांत और गंभीर हूँ, मुझे कोई नहीं पुकारता। चलिए नाज़रीन मोहतरम, इस अफसानचे पे मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ, और अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना देता हूँ। शेर ऐसे है कि कह रहा है शोर दरिया का, कह रहा है शोर दरिया को समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्प है वो उतना ही खामोश है। और शांत जो है ये एक हिंदी लफ्ज़ है जिसे हम उर्दू में खामोश कहते हैं, और ये यहाँ पर जो समंदर की सबसे बड़ी जो एक खसूसियत ही हम कहेंगे वो खामोशी है। और अफसानचा 19वां, अफसाना नंबर 19, ये एक अफसानचा है जिसका नाम काश है। काश मेरी जवानी बीत जाती, रिश्ते नाते टूट जाते, हर दरवाजे पर दस्तक देता। ये भी एक जो है अफसानचा है, इसमें भी कोई किरदार नहीं है। अफसाना नंबर 20, जो कि एक अफसानचा है, ओ काले बुरके वाली। ओ काले बुरके वाली, चलिए देखते हैं ये क्या है। एक औरत तू पर्दे में रह, मर्दों को बदनिगाही के अजाब से बचा, सिर्फ बहशती जेवर पर नकाब मत हटाना, अकबर गैरत कौमी से ज़मीन में गड़ जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बता दूं, ये जो अकबर इलाहाबादी है उनके एक शेर पे जो है बनाया गया एक अफसाना है, सुनिएगा। जैसा कि आपने मलाहिजा किया कि जिस तरह जिलानी बानू ने इस अफसाने में मर्दम असास मुआशरा, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी और ख़वातीन पर मर्दों के तसल्लुत के ख़िलाफ़ तवाना लहजे में आवाज़ बुलंद करने की मुनासिब कोशिश की है। अकबर इलाहाबादी बहुत ही मशहूर नज़म निगार हैं, और अकबर इलाहाबादी क्या कहते हैं, अकबर इलाहाबादी के इस शेर की तरफ भी इशारा है, जिसमें उन्होंने औरतों की बेपर्दगी से ज़मीन में गड़ जाने की बात की है। अकबर का ये अशआर देखिए आप, बेपर्दा नज़र आई जो कल चंद बीवियाँ, बेपर्दा नज़र आई जो कल चंद बीवियाँ, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। तो नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ जिलानी बानू का ये अफसाना जो है ओ काले बुरके वाली ख़त्म होता है, और आगे देखते हैं एक और नावलेट है ये, देखिएगा नाज़रीन मोहतरम, इसमें अफसाने भी हैं, अफसानचे भी हैं, और एक नावलेट भी है 20वां, इसमें क्या है चलिए देखते हैं। आज फिर होम का दरवाज़ा मेरे लिए भगवान के क्वाड़ों की तरह खुला। होम, बाबा जी की कार दरवाजे पर रुकी तो मैं रो पड़ी। मलेशम ने कहा, मलेशम किरदार है, मलेशम ने कहा इतनी बेसब्र बनोगी तो बाबा बच्चे के दाम बढ़ा देंगे। मलेशम के साथ वो यतीम खाना
अडॉप्ट करने बच्चा अडॉप्ट करने गई है क्योंकि उसका रहम जरखेज नहीं है, ऐसा मलेशम को पता है। लेकिन हकीकत यह है, मलेशम की बीवी को कभी अजमल नाम के शख्स से इश्क था और अजमल से उसने जिस्मानी ताल्लुकात भी बनाए थे, इसलिए शादी से पहले ही राजदाना तरीके से उसने बाबा जी के यहाँ बाबा जी के यतीम खाने में आकर अजमल का बच्चा जना था। समाज को उस गुनाह का इल्म न हो इसलिए उसकी माँ ने टाइफाइड का बहाना बनाकर 2 महीने तक अपनी बेटी को एक मरीज़ की तरह बिस्तर पर रखा। बाद में अजमल अमेरिका चला गया और उसकी शादी मलेशम से हो गई। उसने मलेशम से झूठ बोला कि वो माँ नहीं बन सकती और किसी तरह मलेशम को इस बात पर राज़ी कर लिया कि यतीम खाने से एक बच्चा हासिल कर ले और नहायत चालाकी से वो बाबा जी के होम से अपने ही जने हुए बच्चे को उठाकर लाई। नाज़रीन मोहतरम, आप बताइए उस बच्चे का असल बाप कौन है, मलेशम या अजमल? मलेशम या अजमल, उसका असल बाप जो है वो अजमल है, ना कि मलेशम। तो काबिले ज़िक्र किरदार नाज़रीन, इसमें एक तो मलेशम है जो कि रावी का शौहर है और एक अजमल है जो कि रावी का आशिक था और जो अमेरिका चला गया है, बल्कि लंदन नहीं, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका चला गया है और चालाकी से ये जो रावी है वो अपने बच्चे को बाबा जी के और उस यतीम खाना से लेने आई है। रास्ता बंद है 22वां अफसाना, और मेरे ख्याल से इस अफसाने में मजमू का आखिरी अफसाना भी है। चीफ मिनिस्टर की गाड़ी गुजरने वाली है, उनकी गाड़ी आसानी से गुजर जाए इसलिए आम रास्ता बंद कर दिया। परेशान हाल लोग घंटों इंतज़ार में खड़े हैं, रास्ता बंद होने की वजह से लोगों के ज़रूरी काम काज ठप हो गए हैं, लोग मन ही मन मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं। कहानी के इख्तिताम में एक शख्स सिग्नल पर मुंतजर लोगों से कहता है, मुझे मालूम है चीफ मिनिस्टर आज क्या ऐलान करेंगे। क्या ऐलान करेंगे, चलिए सुनते हैं। आप सबकी विपता सुनकर मुझे दुख हुआ। आप सबकी विपता सुन के, यानी कि आप सबकी परेशानी सुन के मुझे दुख हुआ। जो हिंदू हैं उन्हें आग में झोंक दो और जो मुसलमान हैं उन्हें खाक में मिला दो। जय हिंद। तो इसी अफसाने के साथ जो है जिलानी बानू की अफसानवी मजमुआ रास्ता बंद है का हो जाता है इख्तिताम, और अगले वीडियो में ज़िक्र होगा आपके साथ बजोगा का, और बजोगा के ऊपर हमने पहले भी एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है जिसमें पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है, जो मतन है, आपके साथ वो शेयर किया गया है। बल्कि हमारे जो नेट JRF का सिलेबस है उसमें ये कहा गया है कि जो बजोगा है वो एक अफसानवी मजमुआ है, बल्कि बजूका एक अफसानवी मजमुआ नहीं है, ये एक अफसाना है सुरेंद्र प्रकाश का। बजूका नामी कोई भी अफसानवी मजमुआ शामिल नहीं है। बजूका सुरेंद्र, इस पर जिक्र होगा कल, और कल हम दो मजमू को एक साथ पकड़ेंगे, एक तो गयास अहमद गदी के बाबा लोग अफसानवी मजमुआ जो है 1969 में शाया हुआ, इस पर भी बात होगी, इसका भी कल जिक्र होगा, और उसके साथ गयास अहमद का भी थोड़ा सा तारुफ आपके साथ किया जाएगा। और तब तक दीजिए अपने दोस्त माजिद को इजाज़त। खुदा हाफिज़।